हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के जितने भी डाउट हैं, जो कॉमन डाउट हैं, वो मैंने सारे डाउट्स इसमें लिए हैं और मैं वन बाय वन करके सबको क्लियर करूँगा। ओके, कल परसों से आपके बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे तो इसीलिए मैंने सोचा एक कम्प्लीट वीडियो बना दूँ, क्योंकि मैं पर्सनली सबको मैसेज कर करके नहीं समझा सकता क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें, तो मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बनाई है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो हम लोग इसमें कवर करेंगे कि जो हमारा 1 ईयर प्रोग्राम है, आखिर ये क्या है, लोगों के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो हमारा जो क्लब आई एस एस फ्रेंड ग्रुप है और जो चैनल है, इसको कैसे ज्वाइन करना है, और जो हमारा जो टास्क है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं जो पहली बार वो टास्क को देख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये टास्क आखिर है क्या, इससे क्या चीज़ है। ओके, तो इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे और इसे कैसे कंप्लीट करना है, कैसे कवर करना है। जो मैपिंग का बहुत सारे स्टूडेंटों का ये डाउट है कि वो मैपिंग को कैसे कवर करें। ओके, जो मैं मैपिंग की जो लोकेशन दे देता हूँ तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैपिंग को कैसे कवर करना है, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैपिंग को आपको कैसे कवर करना है। साथ में बहुत से स्टूडेंट हैं जो कन्फ्यूज हैं ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को लेकर के, वो सोच रहे हैं कि हम कौन सी पढ़ें। ओके, तो आज ये भी डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा और एक छोटा सा डिस्कशन हम करेंगे ऑप्शनल पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट रहता है आप लोग स्टार्टिंग से ही कि हम कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए और कैसे चूज़ करना चाहिए। ओके, तो इस पर हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं वन बाई वन करके। चलिए हम लोग अपना जो टॉपिक बने वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि वॉट इज़ अ 1 ईयर प्रोग्राम, मतलब 1 ईयर प्रोग्राम आखिर क्या है, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं हमारे ग्रुप से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 1 ईयर प्रोग्राम क्या है। तो इसका मैं एक बेसिक बता देता हूँ, इसके बारे में आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर जा करके एक वीडियो देख सकते हैं, वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा कौन सी वीडियो आपको देखनी है हमारे चैनल पर, कहाँ पर आपको कौन सी प्ले लिस्ट में जा करके देखना है। ओके, तो ये 1 ईयर प्रोग्राम के बारे में बेसिक बता देता हूँ। हम जो 1 ईयर है इसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। ओके, एक 4 मंथ और इसके अलावा जो बचते हैं 8 मंथ। ओके, तो ये 4 मंथ है, इसमें हम लोग बेसिक कवर करेंगे यानी कि सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे इसमें। और ये जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा, इसमें आपको एकदम मैनेज तैयारी करनी है, जो कहते नहीं है कि हम लोग को स्मार्ट तैयारी करनी चाहिए, तो ये प्रोग्राम है यही बताएगा कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, कितने दिनों में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए टास्क देता हूँ, डेली टास्क यही है आपकी मैनेज तैयारी करने के लिए, आप भटके ना। ओके, और जो 8 मंथ हैं इसमें हम लोग एडवांस कवर करेंगे, जैसे कि मेंस हो गया, ऐसे हो गया और इंटरव्यू, इन सभी चीज़ों की तैयारी करेंगे। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है। 4 मंथ में से हम लोगों ने लगभग में 2 मंथ अभी कवर कर लिया, अभी पूरे 2 मंथ नहीं हुए हैं, 51 डेज हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, आप लोगों के लिए थोड़ा साउंड आ रहा होगा क्योंकि मैं अभी गाँव में हूँ, मैंने आप लोगों के लिए बताया था जैसे मैं सिटी से अभी बाहर आया हूँ, तो गाँव में यहाँ पर मेरा जो घर है वो एकदम रोड के किनारे है, तो इस वजह से कभी कभार कुछ आ जाता होगा, तो उसके लिए आप इग्नोर कर दीजिए। अब देखिए हमारा जो प्रोग्राम है इसमें जो 4 मंथ का मैं आपको बता रहा था, इसमें हम लोग बेसिक कवर करेंगे। ओके, यानी कि बेसिक का मतलब हम सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे, तो आप लोगों के लिए समझ में आ गया 1 ईयर का प्रोग्राम क्या है और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कैसे ज्वाइन होना है। चलिए हम लोग टॉपिक नंबर 2 पर बात करते हैं कि आपको इस प्रोग्राम से कैसे ज्वाइन होना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि आखिर एक प्रोग्राम है, इससे हम कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको 2-3 स्टेप करनी है। तो नंबर 1, आपको हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। ओके, और साथ में बेल आइकन भी दबाना है। अब इससे कैसे ज्वाइन होना है, तो यूट्यूब के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते, तो यहाँ पर आप जाइए सर्च बॉक्स में आप लिखिए क्लब आई एस एस फ्रेंड। ओके, ये स्पेलिंग लिख लीजिए आप, क्लब आई एस एस फ्रेंड्स आप डालेंगे तो हमारे इस तरह का लोगो दिखेगा, उस लोगो पे क्लिक करिए और उसमें आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी। ओके, तो जब आपको वीडियोस दिखेंगे मैं लास्ट में दिखा भी दूंगा कि किस तरह से आपको सर्च करना है और प्लेलिस्ट कैसे निकालनी है, क्योंकि मेरे चैनल पे कई सारी प्लेलिस्ट है, आपको सभी नहीं देखनी है, 1 ईयर प्रोग्राम वाली पर ही आपको जा करके उसे सब्सक्राइब करना है। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है। फॉर्म इसलिए फिल करना है क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया करेंगे, जैसे कभी पेपर हुआ या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी होगी इम्पॉर्टेंट, तो हो सकता है वो कभी ना पहुंच पाए, लेकिन मैं नंबर के थ्रू आपको दे सकता हूं। और जब फॉर्म फिल करेंगे तो मेरे पास आपका डाटा होगा, जब डाटा होगा तो मुझे पता होगा आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपका मीडियम कौन सा है,
तो मैं एक एक्सेल सीट रखूँगा और उसमें जो लोग सेम लोग होंगे तो उनका मैं एक ग्रुप बना दूंगा। तो जिस ईयर आप पेपर देंगे उस ईयर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे आप 10 से 11 लोगों का एक छोटा छोटा ग्रुप होगा सेम सेम लोगों का, तो आप वहाँ पर अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये फॉर्म फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो आप ये वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप किसी भी मेरी वीडियो को देखेंगे जो वन ईयर वाली है, तो उसमें आपको एक कमेंट दिखेगा, ओके, जो पिन होगा, ओके, जो पिन होगा, जो कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर एक मैसेज मिलेगा। वहाँ पर देखिए ढेर सारे लिंक होंगे, यहाँ पर इस तरह से लिंक दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए पहला है हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक है, आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और ये देखिए ये दूसरे नंबर के हैं, ये वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है इस प्रोग्राम के बारे में, तो आप ये देखना चाहते देख सकते हैं। और देखिए तीसरा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तीसरा वाला लिंक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही एडमिशन फॉर्म है। आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर गूगल फॉर्म पे आप डायरेक्ट जा करके अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, वो मेरे पास आ जाएगी। उसमें आपको फ़ोटो अपलोड करना है और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जिससे बाद में जो आपका डाटा होगा सेम लोगों को मैं एक तरफ कर सकूँ, ओके। तो ये काफ़ी प्रॉफिट होगा, आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। अगर ये आपको नहीं फिल कर मिल रहा है तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि आपको कैसे फिल करना है, तो वो भी जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, ओके। और इसके अलावा एक ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैंने बताया ज्योग्राफी को कैसे कवर करना है, ओके। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, ये कहाँ मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, यानी कि ये वीडियो देख रहे हैं इसकी भी कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको ये वीडियोज़ के लिंक्स और ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में, ओके। चलिए हम लोग तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट है, आप नंबर एक आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, और नंबर दो टेलीग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस एक बात को आप विशेष ध्यान रखिए कि आपको हमारे यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल से बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं होना है, क्योंकि उस पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे परेशान करते रहते हैं मैसेज कर करके, तो और कोई भी ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप होता है वो ईजिली सभी लोग यूज़ करते हैं, ओके। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट है वो टेलीग्राम तो यूज़ करते ही होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है और इस पर कोई भी आपको परेशान भी नहीं करता है। अब देखिए टेलीग्राम को आपको इंस्टॉल करना है, जैसे आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर लिखिए टेलीग्राम और उसको इंस्टॉल करिए। सिर्फ सिंपल उसमें नंबर डालना होता है, OTP डालना हो जाता है, फिर उसके बाद अपना नाम डालना होता है, ओके। तो इतना करने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है। देखिए ऊपर लिंक भी था, और इसके अलावा देखिए आप देख सकते हैं जब आप हमारे होम पेज पर आएंगे, मतलब जो टेलीग्राम है उसके होम पेज पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको लिखना है क्लब आई एस एस्पिरेंट, और जब आप क्लब आई एस एस्पिरेंट लिखेंगे तो हमारा चैनल दिख जाएगा, ओके। तो अब देखिए इसमें एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, इस टेलीग्राम ग्रुप हमारे दो ग्रुप हैं, दोनों से आपको ज्वाइन होना है। नंबर एक इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और बताया जाएगा, और ये दूसरा वाला है एक UPSC प्रीलिम्स 2021, ओके, ये वाला भी ज्वाइन कर रहा है। इसमें शाम 5 बजे टेस्ट होते हैं, लगभग में 1 घंटे तक टेस्ट चलते हैं, जिसमें 100 से लेकर के 150 क्वेश्चन, कभी 80-90 क्वेश्चन भी होते हैं, यानी कि 1 घंटे तक टेस्ट चलता है। इसी में जो टास्क होता है वो आपको लिख करके सेंड करना है, मैं शाम को चेक करके आपको देता हूँ, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पर आकर के आप डिस्कशन कर सकते हैं, यानी कि ए वाला जो ग्रुप है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। और ए वाला ग्रुप है ये हमारा ऑफिशियल है, इसमें आपको सभी तरह का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ओके। तो ये दोनों ग्रुप आपको ज्वाइन करने हैं, और इनके लिंक्स भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ भी आपको मिल जाएंगे, ओके। अब हम लोग बात करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो टास्क क्या है, आखिर ये टास्क ऑफ द डे क्या है, और ये आपको कैसे इसको यूज़ करना है, ओके, और ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये जो टास्क ऑफ द डे है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, आप इस ग्रुप को देख सकते हैं क्लब आई एस एस्पिरेंट, और एक किस पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और इसमें आपको दो मैसेज सबसे लास्ट में मैं करता हूँ, जब मैं पहले स्टडी मटेरियल सेंड कर देता हूँ उसके बाद में दो मैसेज करता हूँ मैं, एक आपको इस तरह का मैसेज दिखता होगा और एक इस तरह का मैसेज दिखता होगा, ओके। तो इन दोनों मैसेज को आप देख लीजिए, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को कैसे यूज़ करना है अब इस पर हम लोग बात करते हैं, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक विशेष बात दिखाता हूँ, जो पहला वाला मैसेज है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें बता देता हूँ कि जैसे कि टास्क नंबर 11, ओके, इस पर आप क्लिक करेंगे तो EVAC ओपन हो जाएगी, और इसमें देखिए आप देख सकते हैं 1 मंथ का प्लान मैं पूरा दे देता हूँ।
इसी प्लान में से मैं देखिए डेली का डेली इसमें लिख कर देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टास्क नंबर 11 अभी हमारा वर्तमान में चल रहा है और ये 17 से 21 सितंबर के बीच में आपको एक एनसीईआरटी पढ़नी है जिसका नाम है द थीम्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री और ये पार्ट 1, यानी कि इस हिस्ट्री को आपको पूरा पढ़ना है इन दिनों के अंदर। ओके, यानी कि 17 से 21 सितंबर के बीच में आपको इसको पढ़ना है और डेली आपको 50 से 60 पेज अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आप इसे आराम से कवर कर लेंगे। ओके, तो नंबर एक तो आपको ये करना है। अब देखिए सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिए, स्किप ना करिए वरना आप फिर से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ओके, अब देखिए ये एनसीईआरटी है। अब आप गांव में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, आपके पास अभी नहीं है। ओके, तो आपको पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो आप बार बार मुझसे मांगेंगे तो परेशान होंगे, इसीलिए मैंने एक इसका अल्टरनेटिव निकाला है कि आपको मैं यहां पर लिंक दे देता हूं। जो पहला वाला मैसेज आपको दिखेगा इसी में दो लिंक भी आपको दिखेंगे जिसमें मैंने लिखा है एनसीईआरटी इन हिंदी, ओके, और एनसीईआरटी इन इंग्लिश। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पीडीएफ पर आप जंप कर जाएंगे, यानी कि रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल या फिर अपना जो भी लैपटॉप है किसी भी चीज़ में आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो आपकी ये समस्या दूर हो गई कि आपको ये एनसीईआरटी कैसे कवर करना है, आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। ओके, अब इसके अलावा अब ये दूसरा वाला मैसेज आखिर क्या है। ओके, तो इसके बारे में देखिए, मैंने यहाँ पर देखिए आपको कुछ बात लिखी है, ये आप ध्यान से पढ़ा करिए डेली। ओके, कि आपको इसमें क्या क्या रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है जो ये वाला। ओके, ये दूसरा वाला मैसेज है आखिर ये क्या है और इसको हम लोग बहुत विस्तृत रूप में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट। ओके, जैसे कि 27 तारीख है और यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर का महीना चल रहा है 2020। ओके, और हमारा जो प्रोग्राम का है ये 52वां दिन है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 52 डेज हमारे प्रोग्राम को चलते हुए हो गए हैं। अब देखिए अगर आप आज से ज्वाइन हो रहे हैं या फिर इसके बाद से ज्वाइन हो रहे हैं फिर भी आप परेशान ना होइए, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं आपको इस तरह का जो मिलेगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी हो रहा है आप उतना करिए, जो नहीं हो रहा है उसके इसके ऊपर दीजिए, क्योंकि मैं एवरी ईयर दो बैच स्टार्ट किया करूँगा। जैसे अभी एक हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, इसके बाद जनवरी में एक हमारा और बैच स्टार्ट होगा। ओके, तो हर साल हमारे दो बैच चला करेंगे, तो आप लोग परेशान ना होइए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है टास्क ऑफ द डे। ओके, तो इसकी देखिए अच्छे से देखिए क्योंकि आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना होइए। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है टास्क ऑफ द डे। ओके, अब इसमें देखिए आपको 5 टास्क मिलते हैं डेली। ओके, चलिए हम इन 5 टास्क के बारे में बात करते हैं। तो पहला टास्क है जिसमें मैं बताता हूँ आपको कौन सी एनसीईआरटी इस दिन को पढ़नी है और उस एनसीईआरटी के कितने पेज आपको पढ़ने हैं। तो देखिए ये हिस्ट्री है, जो हमने पहला वाला मैसेज था उसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसी में पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर बस उसको इंक्लूड कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिस्ट्री की जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसे आपको पढ़ना है। और देखिए मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ कौन सा पार्ट पढ़ना है, 1st, 2nd, 3rd। ओके, तो यहाँ पर 3rd पार्ट है, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है और इसमें देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्टार्टिंग के 55 पेजेस पढ़ने हैं, यानी कि आज के दिन आपको 55 पेज आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़े तो आप फिर से पीछे होते जाएंगे। तो इतना आपको कम से कम कवर करना है, अगर आप ज़्यादा कवर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और इसको कैसे पढ़ना है, आपको इसको स्टोरी की तरह पढ़ना है इस एनसीईआरटी को। इस पेज जो यहाँ पर इसके बाद अब जो कल का टास्क आएगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि नेक्स्ट 55 पेजेस या 50 पेजेस पढ़ने हैं। तो इन 55 पेज के बाद अगले दिन आपको और 55 पेज उसके पढ़ने हैं, इसी तरह ये 2-3 दिनों में कवर हो जाएगी। ओके, अब देखिए पहला वाला तो कवर हो गया हमारा कि जो हिस्ट्री है इसको आपको कैसे पढ़ना है, आपको इसको रीड करना है और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे जो भी होंगे आप की पॉइंट नोट कर लीजिए। ओके, इसके अलावा जो दूसरा वाला यहाँ पर पॉइंट दिया रखा है रिवीजन का, अब देखिए रिवीजन ये थोड़ा सा आप यहाँ पर अच्छे से समझिए रिवीजन के बारे में। अब देखिए जो लोग मुझसे एक महीने पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी मेरे साथ खबर कर ली है, वो तो रिवीजन कर सकते हैं। ओके, यानी कि उनके लिए मैंने बता दिया कि टास्क नंबर 6 का उनको रिवीजन करना है। लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन हुए या फिर आप ज्वाइन बाद में होंगे, ओके, अभी जैसे कुछ स्टूडेंट है वो वीडियो को बाद में भी देखेंगे, तो आप अगर बाद में देख रहे हैं तो कोई आप परेशान होइए, उस वक्त हो सकता है मैं यहाँ पर टास्क नंबर 11, 12 जो भी होगा उसका रिवीजन करने को भूलूंगा। ओके, तो आपको क्या करना है, ये रिवीजन आपको नहीं करना है क्योंकि आपने तो ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, इस टास्क के बारे में आप जानते ही नहीं हैं,
तो आप इसको अभी छोड़ दीजिए, ओके। इस वाले टॉपिक को न्यू स्टूडेंट को छोड़ देना है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करना है इसको। अगर वो रिवाइज नहीं करेंगे, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी पढ़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, तो आपको रिवीजन करना है। अब देखिए, रिवीजन में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जैसे मैं कभी कभार बोलता हूँ कि आपको 1/4 भाग इसका स्टार्टिंग का रिवीजन करना है। तो 1/4 भाग का मतलब क्या है, ओके, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इसका मतलब है, जैसे कि अगर आपने नोट्स बनाया किसी का, ओके, नोट्स में आपने 10 पेजों में 6 क्लास की एनसीईआरटी का नोट्स बनाया सपोज डैट, ओके, तो 6 पेज में आपने नोट्स बनाया है, तो इसका 1/4 कितना होगा, यानी कि 10 का आप 4 भाग करेंगे तो जो चौथा भाग होगा उसको आपको रिवाइज करना है उस पूरे भाग को। तो यानी कि लगभग में आपको 2.5 पेज, यानी कि 2 से 3 पेज आपको आज रिवाइज करना है। फिर इसके बाद मैं दूसरे दिन बताऊंगा 1/4 भाग आज फिर से आपको रिवाइज करना है, यानी कि अगला जो 1/4 भाग होगा उसको आपको रिवाइज करना है। फिर मैं ऐसे बोलूँगा कि 1/4 भाग आपको फिर से रिवाइज करना है, यानी कि इसके बाद जो अगले होंगे यानी कि 2 से 3 पेज वो आपको रिवाइज करने हैं, फिर उसके बाद के जो रिवाइज करने हैं, ओके। तो रिवीजन का पर्पस यही होता है कि मैं आपको एक साथ ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको पूरा टास्क का रिवीजन करना है, क्योंकि टास्क काफ़ी लंबा होता है, इसीलिए मैं उसको 2-3 दिनों में कहता हूँ कि आप इसको हल्के हल्के रिवीजन करिए, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत कम टास्क देता हूँ, ओके। आप देखिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, एडिटोरियल। आखिर ये एडिटोरियल क्या है, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये एडिटोरियल है, ये न्यूज़पेपर से आपको मिलेगा, ओके। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आप जिस भी मीडियम से हैं उस मीडियम का आप न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें पढ़िए। न्यूज़पेपर आप हार्ड कॉपी में लीजिए, लेकिन अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन खुल गया लेकिन फिर भी लोग अपने अपने घर से ले गए, जैसे कि मैं भी अभी बाहर आया हूँ, ओके। तो आप भी मेरी तरह अगर अपने घर आ गए हैं तो आप वहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं मिल पा रहे, तो उसके लिए मैं PDF दे देता हूँ। PDF आपको हमारे ग्रुप में मिलेगी, ग्रुप में सारा स्टडी मटेरियल मैं सेंड करता रहता हूँ, तो वहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर मिलेगा, वहाँ से आपको ये एडिटोरियल मिल जाएगा, ओके। अब इस एडिटोरियल का क्या करना है, इस एडिटोरियल को आपको पढ़ना है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है एक तरह से, और उसके बाद अपने शब्दों में लिखना है 50 से 60 वर्ड। अगर आप 100 लिखना चाहते हैं, 200 लिखना चाहते हैं, लिखने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना है, ओके। तो यानी कि जैसे कि अगर बेरोजगारी पर या किसान के जो किसान विरोध कर रहे हैं उस पर एक एडिटोरियल आया है, उस एडिटोरियल को आप पढ़िए कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपने शब्दों में लिखिए। ऐसा नहीं है कि उसमें से कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने उस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद क्या समझा है उसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिए, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करिए जो पढ़ने वाले को लगे कि यार ये क्या लिख रहा है। कुछ टेक्निकल जैसे कुछ शब्द होते हैं, हर सब्जेक्ट के अपने होते हैं, तो आपका लगना चाहिए कि हाँ UPSC के एस्पिरेंट, अगर आप स्टार्टिंग अभी किए हैं तो आप परेशान होंगे, जैसा आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बाद में मैं आपका इम्प्रूव करा दूंगा जब हमारा मेंस का चलेगा, ओके। अब देखिए, इसके बाद आता है कि जो चौथा हमारा टास्क है उसमें शाम को 5 बजे टेस्ट होता है। अब देखिए, ये चौथा वाला है, इसमें आपको देना है टेस्ट, और टेस्ट होता है शाम को 5 बजे, डेली टेस्ट होता है, ये हमारे ग्रुप पर होता है जो टेलीग्राम ग्रुप है। आप जब आएंगे सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर क्लब आई सस्पेंड, जब इस पर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिस्कशन का, नीचे यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर आपको म्यूट दिखेगा, यहाँ पर डिस्कशन दिखेगा, ओके। तो आप जब डिस्कशन वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे एक दूसरे चैनल पे आप जंप हो जाएंगे जहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा डेली टेस्ट होता है, टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, और ये टेस्ट होते हैं ये अभी फैक्चुअल होते हैं, ओके। कैसे होते हैं? फैक्चुअल होते हैं, और ये NCERT पर बेस होते हैं, यानी कि जो UPSC का पैटर्न होता है उस पर अभी मैं क्वेश्चन नहीं देता हूँ, जिससे आप अभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि अभी दे दूंगा तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो फ्रस्ट्रेशन से आपको बचाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, और साथ में आपका रिवीजन होता रहे फास्ट तरीके से, इसीलिए मैं जो सिंपल एकदम क्वेश्चन होते हैं वो आपको अभी देता हूँ, ओके। अब देखिए, इसके बाद जो 5वां टास्क आपको मैं देता हूँ वो मैपिंग का देता हूँ। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैपिंग का टास्क है, इसको कैसे कवर करना है, आखिर क्या है। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिख के देता हूँ सामने, इसको कैसे आप समझना है, ओके। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैपिंग टास्क, फिर इसके बाद लिखता हूँ आपको किस कॉन्टिनेंट में या किस जगह पर ये सारी लोकेशन मिलेंगी। जैसे मैंने इसमें लिखा है अफ्रीका, तो यानी कि अफ्रीका के आसपास मिलेंगे, और कौन से अफ्रीका के, तो कई सारे मैप होंगे, तो उसमें आपको देखना है। देखिए, मैप जो भी मैप होता है उसके दो होते हैं, एक फिजिकल मैप होता है और एक पॉलिटिकल होता है, ओके। जो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप, मैं दोनों की लोकेशन देता हूँ, पहले मैं फिजिकल की देता हूँ फिर मैं पॉलिटिकल की देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पहला लिखा अफ्रीका, ओके,
फिर दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है यहाँ पर कि आपको फिजिकल मैप देखना है, ना कि पॉलिटिकल। आपको ये सारी चीज़ें हैं वो ध्यान से देखनी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी वीडियोस हैं तो सॉरी ये सारी लोकेशन है, ये सारी लोकेशन है, ये आप देखिए, इनको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन्हें एक मैप पर खोजना है। अब देखिए मैं नेक्स्ट मैंने शायद स्लाइड में डाला होगा, ये देखिए, ओके ये देखिए, इस तरह से आपको मैप को कवर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मैपिंग का टास्क है, आपको इस तरह का टास्क मिलेगा। इन सारी लोकेशन को आपको एक मैप पर खोजना है। इसके लिए आपको एक एटलस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी एटलस नहीं है तो आपको पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है, ओके। नहीं है अभी आपके पास तो मैसेज कर दीजिए, मैं रीसेंड कर दूंगा, ओके। अब देखिए आपको इस तरह से लोकेट करनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सारी लोकेशन को इस तरह से आपको लोकेट करके सेंड करना है ग्रुप में। फिर उसके बाद क्या करना है, एक ब्लैंक मैप लेना है। इस ब्लैंक मैप पर इन सारी लोकेशन को आपको इस तरह से लोकेट करना है, ओके। आप इस तरह से आप देख सकते हैं इन सारी लोकेशन को आपको यहाँ लिखना है। अब देखिए आपके पास ब्लैंक मैप नहीं है तो आप हाथ से बनाने की प्रैक्टिस करिए। अगर आप हाथ से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब देखिए मैप कैसे बनाया जाता है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो मेरे यहाँ पर ये पेन है, मैं अभी उंगली से लिख रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। पहले अगर इंडिया का मैप बनाना है तो आपको पहले इधर इस तरह से बनाना है, ओके। फिर आपको देखिए मैप होता है वो जो हम लोग बनाते हैं वो पैमाने पर बेस नहीं होता, वो एक खाका होता है, ओके। एक एक खाका होता है वो पैमाने पर बेस नहीं होता है, इसलिए आप कैसा भी बना सकते हैं लेकिन उसको कुछ ढांचा लगना चाहिए, हाँ इंडिया के। अब इंडिया कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान बन गया, इंडिया है वो आपने अमेरिका की तरह बना दिया। कुछ पहचान में आना चाहिए कि हाँ वो इंडिया है, ओके। तो आपको किस तरह से बनाना है मैं आपको बता रहा था, तो आपको देखिए कुछ इस तरह से मैप बनाना है। तो आपको देखिए पहले एक तरह ऐसे करना है, इस मैप को आप ध्यान से देखिए, आप मैप बनाना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आपको ऐसे करना है, फिर एक बार ऐसे लेके आना है, फिर ये ऐसे लेके आना है, फिर एक बार ऐसे करना है, फिर देखिए ऐसे ऐसे करके ऐसे करना है। फिर यहाँ पर देखिए कच्छ के ऊपर आपको राजस्थान की तरफ जाना है, अब इस तरह से आपको जाना है। फिर आपको यहाँ पर दो बार इस तरह से करना है और फिर इस तरह से करना है। अब देखिए कुछ मैंने अभी देखिए यहाँ पर बनाया है, बल्कि कंप्यूटर पर बनाया है, फिर भी आप देख सकते हैं कि ये लग रहा है ना थोड़ा सा कि हाँ इंडिया ही, ऐसा तो नहीं लग रहा है ये पाकिस्तानी या बांग्लादेश है और कुछ है, ओके। तो इस तरह से आपको बना करके उस पर प्रैक्टिस करना है। और दूसरी बात आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जब आप यहाँ पर देखिए इस तरह से आपने लोकेट कर लिए, ओके कर लिए, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबरिंग करनी है 1 2 3, बल्कि नाम नहीं लिखने, क्योंकि नाम लिखने से क्या होता है कि बार बार आपको जब सामने एकदम ईजी होता है ना तो आप लोग नहीं पढ़ते हैं। आप जब नंबरिंग करेंगे तो आपको ऐसे यहाँ पर मान लीजिए आपने नंबरिंग की, ओके फोर्थ नंबर, तो आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पर मैंने फोर्थ नंबर लिखा है, यहाँ पर क्या है, ये लोकेशन क्या है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये हो सकता है चिल्का झील होगी, या फिर ये मैंने हो सकता है मैंने यहाँ पर बंगाल का डेल्टा हो, ओके जो गंगा का डेल्टा है वो बनाया हो। तो आप जब कन्फ्यूज़ होंगे तो एक बार देख लीजिए फिर से अपनी जो बुक है एटलस है उसको खोल के देख लीजिए, तो आपका रिविज़न भी हो जाएगा, ओके। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे आपने लोकेट करके यहाँ पर लिख दिया 5 नंबर। अब आप यहाँ पर सोचेंगे यार ये ऊपर वाला है, ये यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मुंबई है या गोवा है, दोनों आसपास में है तो समझ में नहीं आ रहा है कि मुंबई ऊपर है या गोवा ऊपर है। तो यहाँ पर अगर मुंबई गोवा आप डायरेक्ट लिख देंगे तो आपके माइंड पर इतना ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप नंबरिंग करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा जब आप रिविज़न करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा यार मैं अभी कन्फ्यूज़ हूँ कि गोवा ऊपर है या मुंबई ऊपर है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये ऐसा है। तो आपको कंफ्यूज हो तो आप फिर से एटलस खोलिए, देख लीजिए एक बार, आपका क्लियर भी हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से करना है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, जितनी मैं लोकेशन देता हूँ, जैसे मैंने अफ्रीका की जितनी लोकेशन दी, मान लीजिए अफ्रीका की लोकेशन, तो अफ्रीका की जो लोकेशन है उन्हें नंबर 1 से स्टार्ट करिए, और डेली मैं देखिए नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ, ओके मैं डेली नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन आपको डेली नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना है, जब नया कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो तभी नंबर 1 से फिर से करना है। लेकिन जैसे अफ्रीका चल रहा है तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 चलाते रहिए, जब जब तक अफ्रीका फिनिश नहीं हो जाता, चाहे 150 लोकेशन हो जाए, चाहे 200 लोकेशन हो जाए, चाहे 300 लोकेशन हो जाए, ओके। तो इनको आपको एक कॉपी बनानी है मैपिंग की,
उस पर आपको लिखते जाना है ये सारी लोकेशन को। अब देखिए मैं यहाँ पर एक विशेष बात आपको और बता देता हूँ कि आपको देखिए यहाँ पर ये किसी स्टूडेंट ने लिखा है, मैं भूल गया हूँ किसने लिखा है, तो उन्होंने देखिए 3 लाइनें में लिख दिया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है। ओके, ऐसे एक ही लाइन आपको बनाना है, 1 2 करके ऐसे नंबरिंग करके आपको लिखना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हो सकता है, मान लेते हैं आपने यहाँ पर ग्रेट हिमालय लिख दिया, ओके, और यहाँ पर आपने फिर और हिमालय लिख दिए, तो ऐसा नहीं करना है। आपने ग्रेट हिमालय लिखा, फिर मान लेते हैं इससे कोई न्यूज़ आ गई, अब न्यूज़ आ गई तो आप कहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आप न्यूज़ लिख सकते हैं ना, उसको करंट से अपडेट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इस तरह से लिखिए, ना कि उसको हॉस पोस मत करिए, आपकी थोड़ी कॉपी भर जाएगी अभी, लेकिन बाद में आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो जितनी भी मैं लोकेशन देता हूँ उन्हें इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड करके मत लिखिए, उन्हें इस तरह से लिखिए और सभी लिखिए। मैं जितनी भी देता हूँ लोगों के, अभी तक मैं शायद दे चुका हूँगा तो 400 से 500 लोकेशन आप लोगों के लिए दे चुका हूँगा। और ये लोकेशन है, अभी आप लोगों के पास एक और डाउट है, ओके, आप लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट है कि ये लोकेशन है ये हम सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, उन्हें मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ समझ भी नहीं आता ये लोकेशन क्या है। तो आप अभी भूल जाइए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूँ कि जैसे कि आपने इसको मार्क किया बे ऑफ बंगाल, ओके, तो बे ऑफ बंगाल इसको अभी क्या है ये मत सोचिए, क्योंकि अभी आप न्यू हैं, ओके, तो आपको इतना ही पता है कि बे ऑफ बंगाल है वो किधर है, हिंद महासागर में कहाँ पर है, भारत के उत्तर में है या फिर पश्चिम में या फिर दक्षिण में, इतनी लोकेशन तो आपको पता है ना। इसके बाद जब मैं मेंस कराऊंगा या फिर कुछ दिनों के बाद जब वीडियो डालूंगा तो मैं बहुत अच्छे से इसमें समझाऊंगा कि ये क्या है, कैसा है, कि हमारा जो थार का मरुस्थल है ये क्या है, इसमें एशिया की इसकी क्या कंडीशन है और क्या है, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, कौन सी छोटी जो चोटी है, कौन सी ऊँची है, कौन सी ज्वालामुखी है, कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, तो आप इस चीज़ को टेंशन ना लीजिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है, देखिए ये सारा आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप पर, लेकिन ये मिल तो जाएगा, ये इस मंथ का, ये सेकंड मंथ का हमारा जो प्रोग्राम है उसकी मैंने दे दिया है 1 मंथ का, कि हमारे कैसी कैसी एनसीईआरटी चलेंगे, तो इनको आपको लिखना है। जैसे कि इसको एक टेबल बनाइए, टेबल बना करके आपको लिखना है, और जो लास्ट मंथ का है वो भी लिख लीजिए, आपके पास नहीं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ओके। तो आपको ये सारी लिखनी है, टेबल बनानी है। टेबल क्यों बनानी है? ये इसलिए बनानी है क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था, मैंने बताया कि इस टास्क नंबर 6 का आपको रिवीजन करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा टास्क नंबर 6 में क्या है? जब आप इसको नोट करके रखेंगे, एक अलग कॉपी बनाएंगे, डायरी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए, ओके। तो आपको अब मैं कभी बोलूँगा आपसे कि टास्क नंबर 12 का आपको रिवीजन करना है, तो आपको समझ में नहीं आएगा टास्क नंबर 12 में था क्या, ओके। तो टास्क नंबर 12 में जो कुछ भी है वो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप डायरी निकाल के देखेंगे कि अच्छा टास्क नंबर 12 में कि क्लास 10th की एनसीईआरटी थी हिस्ट्री की, तो मुझे उसका रिवीजन करना है। तो इसीलिए इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, और इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो एनसीईआरटी है वो कितनी पढ़नी है। अब देखिए यहाँ पर एक मैं और आपको एक डाउट है वो आपको क्लियर करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ये डाउट मैक्सिमम जो न्यू स्टूडेंट होते हैं और ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं उनको ज़्यादा डाउट आता है, जो कम से कम यूट्यूब देखते हैं उन्हें ये डाउट बहुत ही कम आता है, ओके। क्योंकि आप 10 लोगों को देखेंगे, 10 लोगों के इंटरव्यू देखेंगे, उनके 10 तरह के व्यू होंगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ओके। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ और आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ, जो मुझसे 1-1.5 महीने पहले से जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट, उनको ये डाउट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ और मैं सारे डाउट हल्के हल्के क्लियर करता हूँ। अब देखिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े, देखिए कोई भी एनसीईआरटी आपके पास अवेलेबल है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा डाउट है, और अगर हाँ हिस्ट्री के, अगर आपको जो हिस्ट्री है उसकी अगर आपको ओल्ड मिल जाती है तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं, आप न्यू ही पढ़िए। क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे जो इकोनॉमिक्स हो गया आपका, जो आप थोड़ा सा सेक्शन आप देखेंगे कि जो हिस्ट्री है वो भी अब थोड़ा चेंज हो गया है, ओके। अब वो भी जब हमारा सिलेबस चेंज होता है अब उसमें अपडेट चीज़ें आती हैं, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा अपडेट होता है, तो जैसे कि इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे तो बहुत पहले की उसमें चीज़ें दी रखी हैं, लेकिन आप न्यू पढ़ेंगे तो उसमें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको पेपर में काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन मानते हैं कि जो हिस्ट्री है वो थोड़ी अच्छी है ओल्ड, तो हिस्ट्री अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो न्यू ही पढ़िए आप लोग, ओके। और देखिए अगर ओल्ड हैं जिनके पास वो न्यू ना खरीदें वो ओल्ड ही पढ़ें, ओके। अब देखिए बहुत बड़ा डाउट है यहाँ पर कि हमें 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या 9 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए।
ये डाउट तो मेरे स्टूडेंट जितने भी होने तो एकदम क्लियर है, लेकिन मैं आपको, आप देखिए, एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, कि आपको 6 से 9 तक की या 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। इसमें आप लोग टाइम बर्बाद बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अगर नहीं मानते तो सच में आप लोग 100 बार तो इस बारे में सोच चुके होंगे अब तक, और 100 बार में अगर एक ही एक मिनट सोचे होंगे तो आपने 100 मिनट कम से कम बर्बाद कर दिए होंगे। अब देखिए, ये जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी हमको पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, आप देखिए मैंने इसमें टास्क दिया है, ओके। तो मैंने बताया 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ने में आपको 5 दिन लगेंगे, और अगर आप ज्योग्राफिक देखेंगे तो उसमें सिर्फ 4 दिन लगे हैं। तो यानी कि 4 दिन, और अगर आप टोटल देखें तो 4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हैं, तो इसमें आप 4 ही 4 दिन लगा लीजिए तो लगभग में 16 दिन होते हैं। अगर आप 4 दिन और बढ़ा दीजिए यानी कि 20 दिनों में, यानी कि 365 दिनों में से आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, ओके। 365 दिनों में अगर आप सिर्फ, आप देख सकते हैं 20 दिन नहीं निकाल सकते किसी चीज़ के लिए, 20 दिन तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं छुट्टियों में या फिर कहीं, और इस 20 दिन में भी आपको सिर्फ कितना पढ़ना है, 3 से 4 घंटे, ओके। तो आप टोटल समय निकालेंगे तो कितना निकलेगा, टोटल समय आप निकालेंगे तो 20-22 घंटे ही ठीक से निकलेगा। तो आप इन 365 दिन होते हैं इसमें से आप सिर्फ जो 20 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं, ओके, तो आप इसके लिए कम से कम 20 घंटे से ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दे रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप ये एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आप जब ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे ये एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए थी या नहीं पढ़नी चाहिए थी। तो इस पर बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करिए, यानी कि लगभग में 8 से 10 दिन लगेगा, कि आप लोग बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करिए, ओके। आपको सिर्फ 8 से 10 दिन में सारी एनसीईआरटी वो कवर हो जाएंगी। 6, 7 में कुछ ज़्यादा नहीं दिया रखा होता, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो 6, 7 की तो 2 क्लास की जो एनसीईआरटी है वो 1-2 दिन में ही आप कवर कर लेंगे, ओके। तो इस पर टाइम बर्बाद मत करिए, क्योंकि 4-5 दिनों की बात है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस बात को आप एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए, तो 6 क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है मेरा बेसिक ठीक है तो 6, 7 के हटा दीजिए, लेकिन अगर मेरी माने तो आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए एक बार, ओके। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि आप कुछ दिनों के चक्कर से आप हमेशा कि मैं 6 की पढ़ूँ ना पढ़ूँ, बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो स्टडी मटेरियल के पीछे पड़े रहते हैं। तो आप स्टडी मटेरियल अभी कम से कम रखिए, अगर आप अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं तो आप सिर्फ एनसीईआरटी रखिए, जो 10 तरह की जो बुक्स होती हैं, 10 राइटर्स की बुक होती हैं वो मत रखिए, ओके। तो कम से कम स्टडी मटेरियल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अब हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, चलिए हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज है वो 500 मार्क्स का है मेंस में, ओके। तो आपको इसको लेकर के कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत बड़ी मिस्टेक अगर कर देंगे तो 1-2 अटैम्प्ट देने के बाद अगर आप इस पर दोबारा सोचेंगे तो आपके पास वो टाइम निकल चुका होगा, ओके। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपके सारे डाउट्स हैं ऑप्शनल को लेकर के क्लियर हो जाएंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आपको डाउट होगा ही होगा, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी डाउट बना रहता है इसको लेकर के। तो एक तरह से आप समझ लीजिए मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूँ जो आपके जो ऑप्शनल से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, और कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको डाउट होता है तो आप फिर से इसको निकालिए और दोबारा से देखिए, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो आपका जो कन्फ्यूज़न है इस वीडियो को देखने के बाद, आप जो 10 लोगों से पूछते हैं ऑप्शनल के बारे में, बार बार मैसेज करते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं ना, वो आप नहीं रहेंगे इसके बाद। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इसमें देखिए वेटेज होता है 500 मार्क्स का होता है, तो इसको आपको बहुत केयरफुली इसके बारे में सोचना है। तो सबसे पहले इसके बारे में कब सोचना है, तो अगर आप अभी नए नए आए हैं यानी कि UPSC की तैयारी करने के बारे में सोचे हैं तो अभी आप इसके ऑप्शनल के बारे में मत सोचिए, ओके। यानी कब तक, कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जब 2-3 महीने 4 महीने अगर आप सिलेबस थोड़ा पढ़ लेंगे फिर उसके बाद में आपको सोचना है, ओके। तो आपको डिसाइड करना है, अगर आपके पास 1.5 से 2 साल है तो अभी तो ऑप्शनल के बारे में मत सोचिए कुछ दिनों तक, ओके। तो आप कब सोचना है ये बात अभी है, तो आपको सोचना है कम से कम आपका जो GS का सिलेबस है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ PCS की, और जो IS है इसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ओके। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो उसका जो GS का सिलेबस होता है वो कम से कम आधा कवर हो जाए। मतलब कवर होने का मतलब एक बार आपको उसका ब्रीफली नॉलेज होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ओके। तो इस तरह का मतलब
ऐसा नहीं है कि पूरा प्रिपेयर हो जाए, प्रिपेयर होना और एक बार देखना अलग होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, तो आपको कम से कम सिलेबस एक बार, आपको जीएस का पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको यूपीएससी के बारे में नॉलेज हो जाए। ओके, तो उसके बाद फिर आप इस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके बारे में सोचना स्टार्ट करिए। और दूसरे नंबर पे आपको क्या देखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किया है, क्या किया है। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपने ग्रेजुएशन और इंटर के समय आपने कैसे पढ़ाई की थी, यानी कि ऐसे ही आपने घर से बैठ के एक ऐसे पेपर देने चले गए या फिर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। क्योंकि आपका बैकग्राउंड कैसा है तो आपको ये देखना पड़ेगा। और साथ में एक बहुत बड़ा डाउट आता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट आता है, जो स्टूडेंट साइंस साइड से होते हैं या फिर आर्ट साइड से होते हैं, जो साइंस साइड से होते हैं उन्हें अधिकांश से डाउट रहता है कि वो साइंस साइड से हैं और वो जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं ऑप्शन वाला वो आर्ट साइड का लेना चाहते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया या फिर इसी तरह का सोशोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, वो आर्ट साइड के सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो क्या वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, यानी कि आपने बीटेक किया हो या फिर एमबीबीएस किया हो या फिर आपने और कुछ भी किया हो, बीएससी एमएससी कुछ भी की हो, ओके, आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, यूपीएससी ने एक लिस्ट दे दी है कि ऑप्शन सब्जेक्ट होगी, उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिए, आपका आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं और आर्ट का अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो आपका एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया। ओके, और आप देख लीजिए आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपने स्टडी में कैसे पढ़ाई की थी, अब देखिए। और दूसरा, जब आप कम से कम देखिए, इसीलिए ये पहला वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जीएस का अगर आधा सिलेबस कवर कर लेंगे तो आप लगभग में मैक्सिमम सब्जेक्ट मेन मेन पढ़ चुके होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से सब जो कौन सा सब्जेक्ट है उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, उससे आप खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, तो आपको मान लेते हैं अगर आपको ज्योग्राफी या फिर आपको हिस्ट्री, ओके, ये दो या फिर सोशोलॉजी या कुछ भी ले लीजिए आपको अच्छा लगता है, फिर उसके बारे में देखिए। ओके, उसके बारे में देखिए और उसके बाद आपको अगर ऑप्शन सब्जेक्ट लेना है फिर आपको क्या करना है, उसका सिलेबस निकालना है। ओके, तो एक बार सिलेबस से मैच करिए कि उसका जीएस से कितना मैच करता है और कितना सिलेबस आप उसको खुद से कवर कर सकते हैं या फिर दूसरे रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जो चौथा सबसे बड़ा पॉइंट होता है, इसको मत भूलिए कभी भी, कि रिसोर्स, अगर आपने ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है, आप देखिए अगर वीडियोस देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे देखिए मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग देखते हैं जैसे कि जो कन्नड़ हिंदी होती है, संस्कृत होती है, इनकी जो परसेंटेज होती है, सक्सेस रेट होता है इसका बहुत हाई होता है। आपने देखा होगा कि उसका रिजल्ट आता है 100% आता है, कभी 70% उसका रिजल्ट आता है, तो आपको लगेगा कि यार जो कन्नड़ हिंदी है, लिटरेचर है, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट कर रही है, तो क्यों ना मैं भी कन्नड़ और हिंदी लिटरेचर साहित्य हिंदी क्यों ना ले लूँ। ओके, तो आपको यहाँ पर जो डाटा देखते हैं ना, कभी कभार ऐसा होता है कि जो डाटा होता है वो हमें गलत राह में ले चला जाता है। कैसे, आप देखिए इसका 100% 70% कैसे हो जाता है रेशियो, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं लिटरेचर हिंदी या फिर कन्नड़ हिंदी का, मान लेते हैं जो कन्नड़ हिंदी है उसका एक स्टूडेंट है जिसने मेंस दिया है और इसका सिलेक्शन हो गया, तो इसका रिजल्ट तो जाहिर सी बात है 100% हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि मान लेते हैं ज्योग्राफी या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट है, उसके मान लेते हैं 100 जो एस्पिरेंट थे उन्होंने मेंस दिया और उसमें से अगर उसमें से 10 लोगों का हो गया, ओके, तो सिलेक्शन तो इनका ज़्यादा हुआ लेकिन रेशियो भी तो इनका 10% आ जाएगा। ज्योग्राफी वालों का सिलेक्शन तो ज़्यादा है लेकिन उनका रेशियो कम है, ओके, लेकिन कन्नड़ वालों का सिलेक्शन किसका हुआ, एक ही का हुआ लेकिन फिर भी वो 100% है। तो डाटा होता है वो कभी कभार आपको गलत तरह से, आपको कभी भी डाटा होता है उस पर देख करके मत जाइए, आप खुद से एनालिसिस करिए, खुद से सोचिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं कौन से नहीं लगते हैं। तो डाटा है वो, एक बार मैं उस डाटा पर भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप डाटे पर मत जाइए। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको सिलेबस ठीक से अच्छे से रीड करना है, सिलेबस को देखना है और फिर उसके बाद मान लेते हैं अब आपने चूज़ कर लिया कि एक सब्जेक्ट आपको, जैसे कि मान लेते हैं आपको तीन सब्जेक्ट आपको अच्छे लगे, ओके, कि आपको इनमें इंटरेस्ट आ रहा है, अब इन तीनों के अगर आपको ये तीन सब्जेक्ट अच्छे लगे तो इसका सिलेबस अब आपको निकालना है।
ओके, सिलेबस कहाँ से निकालना है, आप कोचिंग का निकाल सकते हैं किसी भी कोचिंग पे साइट पर जा करके, या फिर आप जो मैं रेफर करता हूँ वो आप यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओके उस पर जाइए, उसी पर जा करके अपना जिस सब्जेक्ट का आप देना चाहते हैं लेना चाहते हैं उसका आप सिलेबस निकालिए ओके। और इस सिलेबस में देखिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है ओके, क्या क्या पढ़ना है और अभी तक आपने जीएस में क्या पढ़ लिया है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनके लिए रिसोर्स क्या हैं, इसके लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। अब मान लेते हैं अगर रिसोर्स की हम बात करें, मान लेते हैं आपको संस्कृत अच्छी लगती है ओके, आपको संस्कृत अच्छी लगती है और आपने देखा इसका जो सक्सेस रेट है वो भी 100%, मतलब कि कभी किसी ईयर अगर एक इंसान ने अगर पेपर दिया उसका एक इंसान का अगर सिलेक्शन हो गया तो उसका सिलेक्शन जो सक्सेस रेट आया 100%, तो आपने सोचा मैं भी संस्कृत से लूँ मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपने संस्कृत ले भी ली और आपको थोड़ी बहुत अच्छी भी लगती है संस्कृत, आपको समझ में आती है, लेकिन उसका रिसोर्स ही नहीं है, अब आप उसको कैसे कवर करेंगे, मार्केट में संस्कृत के नोट्स मिले नहीं रहे, कोचिंग कहीं हो ही नहीं रही और कुछ भी है ही नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे पेपर के समय बहुत ज़्यादा भटकाव हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा सब्जेक्ट ना लें जिसका रिसोर्स अवेलेबल नहीं है या फिर जिसका आप बना नहीं सकते, तो ये कहाँ से समझ में आएगा रिसोर्स के बारे में, सिलेबस देख के। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है और फिर उसके बाद देखना है कि इसका जो रिसोर्स है संसाधन है वो अवेलेबल है नहीं है मार्केट में कोचिंग में कहीं भी ओके। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके साथ में और भी कोई है आपके जान पहचान का जो सेम ऑप्शन लिया हुआ है, अगर सेम है तो आप आपको भी वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो ले लीजिए, जिससे आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलके बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं कि आधा पोर्शन वो कवर कर लेंगे आधा पोर्शन आप कवर कर लेना और एक दूसरे से डिस्कशन कर लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कोचिंग देखिए मैं एक बात आपको बता दूँ, जो कोचिंग होती है वहाँ से सिलेक्शन मैक्सिमम लोगों का नहीं हो रहा है, अगर आप 100 में से देखेंगे तो एक लोग का ही कोचिंग से सिलेक्शन हो रहा है। सिलेक्शन कहाँ से हो रहे हैं, सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो खुद से डेडिकेटेड है खुद से मोटिवेटेड रहते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। और साथ में जो आप देखते हैं कि हमारी कोचिंग से या इस कोचिंग से आप 100 लोग लिख ले हैं 50 लोगों का आईएएस में हो गया, तो वो कहाँ से हो रहा है, वो लोग मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं से उनका हो रहा है, और कुछ तो पैसे वैसे दे करके काम चला लेते हैं अपने फ़ोटो वोटो निकलवा लेते हैं। और साथ में और भी चीज़ें होती हैं जैसे किसी ने किसी की टेस्ट सीरीज ले ली या फिर कुछ ले लिया तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो भी नाम आ जाता है। तो जो आप रिज़ल्ट देखते हैं जिन कोचिंगों का, वो रिज़ल्ट आ रहा है वो मॉक टेस्ट से ज़्यादा आ रहा है, ना कि वो कोचिंग में पढ़ के रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं ओके। तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो ओके। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ सब कुछ, तो क्या करना है, सबसे पहले आप उस ऑप्शनल के बारे में अभी नहीं सोचना है, देखिए ऑप्शनल के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, आपको थोड़ा सिलेबस है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सिलेबस क्या है, तो उसके बाद फिर आप ऑप्शनल के बारे में सोचिए, फिर आपका बैकग्राउंड देखिए, उसके बाद आपको किन किन सब्जेक्टों में इंटरेस्ट आ रहा है, फिर उस सब्जेक्ट का आप सिलेबस देखिए कि उसमें सिलेबस में कितना आप कवर कर सकते हैं, कितनी की आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कितने पर आपको वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, कितने पर क्या पड़ेगी, और उनके रिसोर्स देख लीजिए। मान लेते हैं आप दिल्ली के आसपास या कहीं रहते हैं, वहाँ तो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है उनके रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आपने अगर मान लेते हैं अब अगर आपने इसे कन्नड़ ले ली, कन्नड़ का आपको नॉर्थ इंडिया में नोट्स ही मिलना महंगा पड़ जाएगा, तो ऐसे सब्जेक्ट मत लीजिए ओके। तो इस बात का आप फिर से ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं लिए जाते हैं, जैसे कि एक हो गया ज्योग्राफी ओके, और एक क्यों है ये भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूंगा, और एक है हिस्ट्री, आप तीसरा देख सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हिंदी लिटरेचर है इसे भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा लिए जाते हैं ऑप्शनल के रूप में, इसलिए लिए जाते हैं, अगर आप इसका पोर्शन देखेंगे तो इसका जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा जीएस से और पीटी से मिलता है ओके। तो जो जीएस और पीटी में भी काफ़ी हेल्प करता है, साथ में आपका ऐसे में भी काफ़ी हेल्प करता है, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा लेते हैं। अगर आप ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो ये मैं भी कवर करा सकता हूँ, अगर आप यहाँ पर
सोशोलॉजी लेना चाहते हैं तो इस हमारे जो चैनल है इस पे यहाँ पर कवर हो जाएगा। अगर ज्योग्राफी आप लेना चाहते हैं तो इसकी तो मैं पूरी भी तैयारी करा सकता हूँ एकदम A to Z। ओके, तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कमेंट करिए। अगर 100 लोग हो गए तो मैं यहाँ पर ज्योग्राफी का पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर दूंगा जो पूरा 1 साल का होगा, और इसमें हम पूरा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा उसको कवर करेंगे। ओके, चलिए हम लोग जो मैंने बताया था कि हमारे चैनल से कैसे ज्वाइन होना है तो उसका मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि कैसे ज्वाइन होना है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल से कैसे ज्वाइन होना है, इसका कुछ प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, जिससे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो एकदम बेसिक नहीं जानते हैं तो वो कैसे सर्च करेंगे। ओके, जैसे हमारा यूट्यूब है, आप यूट्यूब में जाएंगे, मोबाइल का इंटरफेस थोड़ा अलग दिखेगा, मेरा टैब इसलिए थोड़ा अलग दिख रहा है तो परेशान ना होइए। तो सर्च बॉक्स में जाकर के आपको सिंपल लिखना है क्लब IAS और एस्पिरेंट। देखिए स्पेलिंग ध्यान रखिए, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल सबसे टॉप पर दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक करिए, आप हमारे चैनल पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हमारा लोगो है, लोगो ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ऊपर देखिएगा होम, वीडियो और प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट वाले पे क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पर बहुत सारी आपको प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करना है 1 ईयर प्रोग्राम वाले पर। इसके अगर आप ये देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए इसका इंटरफेस थोड़ा अलग है, लेकिन आप जब प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारी वीडियो देखेंगे, तो आपको ये सारी वीडियो देखनी है। ओके, वन बाई वन करके देखिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपको टेलीग्राम से मेरे कैसे ज्वाइन होना है। मेरा टेलीग्राम है, ये देखिए टैब है, तो इसमें थोड़ा सा इंटरफेस अलग दिख रहा है, लेकिन आपके मोबाइल में इंटरफेस अलग दिख रहा होगा। मान लीजिए इधर का जो है, इधर का जो पोर्शन है, ये देखिए ये वाला पोर्शन है, मान लीजिए आपका मोबाइल है, तो यहाँ कहीं पर आपको ऊपर ही आपको जो होम पेज होता है, होम पेज पर ही आपको एक सर्च का बॉक्स दिखेगा, वहाँ पर आपको सर्च करना है हमारा चैनल क्लब IAS एस्पिरेंट। तो जैसे सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चैनल इधर। इसमें देखिए इंटरफेस थोड़ा अलग है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइए। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है, आप लोग मुझसे बहुत सारे स्टडी मटेरियल मांगते हैं। अब देखिए स्टडी मटेरियल कैसे आपको सर्च करना है, कैसे लेना है, तो वो भी मैं आपको बता दें। अब देखिए आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे तो देखिए ऊपर आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स दिखेगा, तो वहाँ पर आपको जो भी स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे मुझे घटना चक्र चाहिए, तो मैंने घटना चक्र यहाँ पर घटना लिखा और सर्च कर दिया। देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी रिजल्ट होंगे, और यहाँ पर आप टैप कर करके ऊपर नीचे जा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप बार बार मुझसे स्टडी मटेरियल नहीं मांगेंगे, क्योंकि मैंने इसमें 4000 से ज़्यादा PDF सेंड कर चुका हूँ, तो लगभग मैं जो भी आप स्टडी मटेरियल मांगते हैं वो भी मैं यहाँ से ही आपको देता हूँ, तो आप खुद भी यहाँ से सर्च करके ले सकते हैं। जैसे मैं एक और दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको पॉलिटी चाहिए, तो यहाँ पर जाकर आपको पॉलिटी लिखना है। पॉलिटी लिखने के बाद सर्च करिए, अब देखिए आपको यहाँ पर 239 आपको यहाँ पर रिजल्ट दिख रहे हैं। अब यहाँ से आप टैप कर करके ऐसे जा सकते हैं, और देखिए आपको सभी तरह का यहाँ पर स्टडी मटेरियल दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी ये नेट मेरा थोड़ा स्लो है, तो इसलिए डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ओके।